एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी अरसे से जर्मनी काम के सिलसिले में आना चाह रहे थे। अभी हाल ही में जर्मनी की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और एक ग्रीन कार्ड मुतारिफ कराया है जिसे अपॉर्चुनिटी कार्ड कहा जा रहा है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, हम इसको तफसील से इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले ये होता था कि जर्मनी में आने के दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप पाकिस्तान या अपने किसी भी मुल्क से बैठ के जॉब के लिए अप्लाई करें और जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाए तो वो आप ऑफर लेटर लेके और पासपोर्ट लेके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कराएं और वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका था जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़े में ये होता था कि आपने यहाँ पर आके जॉब ढूंढनी होती थी, जो कि एक मुश्किल काम है और उसमें आपके 15 से 20 लाख रुपए जो थे वो खर्च होते थे और उस दौरान 6 माह में आप यहाँ पर काम भी नहीं कर सकते थे। काम से मतलब यानी कि पार्ट टाइम आप जॉब नहीं कर सकते थे क्योंकि जर्मनी में जॉब मिलने का प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो है, तो इसमें 6 माह का जो टाइम है वो कम है, तो ये इंतहाई मुश्किल हो जाता था और उस सूरत में जॉब ना मिलने की सूरत में आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ता था। पर अब चीज़ें बदल रही हैं, अब ग्रीन कार्ड ने इस चीज़ को जो है आसान कर दिया है। सीकर वीज़े में जहां आपके पास 6 माह का टाइम होता था, ग्रीन कार्ड में अब वो टाइम आपके पास 1 साल का है और इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम करवाया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह आपको इमिग्रेशन के कुछ पॉइंट्स देने होते थे इमिग्रेशन के लिए, इसी तरह जर्मनी में भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारिफ कराया है। इसमें 14 में से आपको 6 पॉइंट्स देने हैं। अब हम तफसील से उनको डिस्कस करते हैं कि किन किन चीज़ों के आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। अगर तो आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया हुआ है या आपके पास डिप्लोमा है तो इसके हैं 4 पॉइंट्स, और अगर आपकी जर्मन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो इसके हैं 3 पॉइंट्स, पर अगर आपके सिर्फ जर्मन गुजारा है तो इसके हैं 2 पॉइंट्स। अगर तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट है तो इसके हैं 2 पॉइंट। अगर तो आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो इसके हैं 3 पॉइंट, और अगर वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 साल का है तो इसके हैं 2 पॉइंट। इसके अलावा जर्मनी में पिछले 5 सालों में 6 माह से ज़्यादा का टाइम अगर आप गुजार चुके हैं तो इसका है 1 पॉइंट। अगर तो आपके स्पाउस भी इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है और वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका है 1 पॉइंट। अगर तो आपकी उम्र 35 साल से कम है तो इसके हैं 2 पॉइंट, और अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल तक के दरमियान में है तो इसका है 1 पॉइंट। कानून पास तो हो गया है पर देखना यह है कि ये इम्प्लीमेंट कब होता है, क्योंकि इस तरह के मामले में जर्मनी हुकूमत जो है थोड़ी सुस्त का शिकार है। जब कभी भी ये कानून इम्प्लीमेंट हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक।